हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार आपको सिखा रहा हूँ ड्रुपल एट। तो ड्रुपल एट में आज हम सीखेंगे मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है और शॉर्टकट्स क्या होते हैं। तो मेन्यूज़ के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ मेन्यू, मेन्यू कैसे क्रिएट होता है, हाउ टू ऐड मेन्यू लिंक्स ऑन मेन्यू, मेन्यू के अंदर हम लिंक्स को कैसे ऐड करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट सब मेन्यू, हम सब मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू एनेबल एंड डिसेबल द मेन्यू लिंक्स, मेन्यू लिंक्स को एनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं, वट इज़ शॉर्टकट्स, शॉर्टकट क्या है और उसके क्या यूज़ हैं, हाउ टू ऐड शॉर्टकट्स एंड हाउ टू रिमूव शॉर्टकट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करूँगा, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, स्ट्रक्चर में जाएंगे हम, मेन्यूज़ पे होवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन नेविगेशन है, तो मेन नेविगेशन क्या होता है, ड्रुपल का डिफॉल्टेड बना हुआ होता है पहले से ही, और जो भी हम मेन्यू ऐड करते हैं वो मेन नेविगेशन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक प्लेस हो रखा है मेन्यू वाला, वो मेन नेविगेशन प्लेस हो रखा है। तो हम न्यू क्रिएट करेंगे, अपना स्ट्रक्चर में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे, ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें मेन्यू का नाम देना है, जैसे हम देते हैं क्विक लिंक्स। यहाँ पे आपको कोई समरी देनी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप सेव कर दीजिए इसको। देखिए, ये मेन्यू हमारा क्विक लिंक्स जो है हमने क्रिएट किया है, इस क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो लिंक्स हैं, ऐड लिंक्स और यहाँ पे भी ऐड लिंक्स हैं। किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए और मेन्यू का, जो भी हमें मेन्यू लिंक्स, इस मेन्यू लिंक, इस मेन्यू के लिए जो हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐड लिंक पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। ऐड लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। देखिए, यहाँ पे हम मेन्यू का टाइटल देते हैं, ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे हम मेन्यू का नाम देते हैं स्लैश अबाउट अस। देखिए, हम पहली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ, स्लैश लगा के ही हम किसी मेन्यू का लिंक देंगे। अगर आपको फ्रंट पेज क्रिएट करना है तो स्लैश लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट। अगर हमें कोई ऐसा पेज का लिंक बनाना है, ऐसा लिंक बनाना है जिसका कि कोई पेज नहीं होगा, जो रिडायरेक्ट नहीं होगा किसी पेज पे, उसके लिए हम देंगे नो लिंक। और अगर कोई ये थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है, कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देंगे HTTPS, और एग्जाम्पल जैसे गूगल, फेसबुक आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं यहाँ पे के पेरेंट लिंक क्या होता है। तो पेरेंट लिंक में बेसिकली क्या है, जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है उसके जो जितने भी चाइल्ड्स होंगे, ये अबाउट अस एक चाइल्ड है, तो ये इसका पेरेंट है, और इसका हमें चाइल्ड क्या, हमारा जो पेरेंट है वो है क्विक लिंक्स, और जो भी हम इसके लिंक क्रिएट कर रहे हैं वो चाइल्ड्स होंगे, जैसे अबाउट अस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसका जो वेट है, जो हमारा इसका वेट है, हम 0 रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही हम दो लिंक और क्रिएट करेंगे, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि सब मेन्यू का इफेक्ट मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐड लिंक पे क्लिक करता हूं। अगेन मैं इसको एक होम पेज दे देता हूं, और मैं इसको लगाता हूं स्लैश फ्रंट, एंड फ्रेंड्स इसका वेट मैं 1 दे देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसका भी एक और लिंक क्रिएट करना होगा हमें, ये सेव हो गया हमारा। ऐड लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्रेंड्स सर्विसेज, और इसका लिंक दे देते हैं फ्रेंड्स सर्विसेज। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका वेट 0 ही रखता हूँ, तो हमें इसका इफेक्ट पता चलेगा कि 0, पहले का भी हमने 0 रखा था अबाउट अस का, और इसका भी 0 रखते हैं, तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। सेव कर देते हैं हम इसको। अब फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए अबाउट अस हमारा पहली पोजीशन पे, क्योंकि उसका 0 वेट था, और जो सर्विसेज है उसका भी 0 वेट है, और होम जो हमारा है वो 1 पोजीशन पे है। तो सर्विसेज हमारा बाद में क्रिएट हुआ, तो इसलिए वो अबाउट अस के बाद में है, जबकि कि दोनों का वेट सेम है, वेट 0 अबाउट अस का है और वेट 0 सर्विसेज का है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स इनकी पोजीशंस चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं होम को ऊपर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ
कि अबाउट अस होम का पेरेंट, जो अबाउट अस है उसका पेरेंट होम बन जाए, तो ये उसका होम बन गया है। तो मीन्स इसको कह सकते हैं कि ये इसका सब मेन्यू बन गया है। होम का सब मेन्यू क्या है? अबाउट अस। और मैं इसको सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो जो भी इसके वेट्स हैं ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएंगे, तो हमें बार बार एडिट पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं इसको सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेव हो गया फ्रेंड्स। देखिए जो मेन्यू होता है वो एक ब्लॉक होता है, तो मेन्यू की प्लेसमेंट के लिए जब भी हम कोई मेन्यू क्रिएट करते हैं तो वो उसका एक ब्लॉक अपने आप क्रिएट होता है, वो एक ब्लॉक बन जाता है फ्रेंड्स। तो ये जब अगर ब्लॉक बन गया है, तो हमने पिछली वीडियो में अपना ब्लॉक को हमने पोजीशन देने के लिए, मतलब कहाँ हमें उसको वेबसाइट के अंदर जो हमारा लेआउट हमने यूज़ किया हुआ है किस पोजीशन पे हमें उसको दिखाना है, तो वो हम उसको पहले उसको प्लेसमेंट देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हम जाएंगे स्ट्रक्चर में, हम जाएंगे ब्लॉक लेआउट पे, ब्लॉक लेआउट पे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। अब अगर हमें वो किसी भी रीजन में प्लेस करना है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे हेडर पे मैं अभी फ़िलहाल चूज़ कर रहा हूँ, और हम उसके बाद में जब पॉपअप ओपन होगा तो हम उसके बाद उसमें देख लेंगे कि हमें किस रीजन में उसको सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। ये पॉपअप खुल के आया है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स आ गया है फ्रेंड्स। मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं। प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें हम जाते हैं। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ मेन्यू लिंक्स। मेन्यू लिंक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए जो विजिबिलिटी है किसी भी मेन्यू की उसको हमें 1 रखना होगा, और जो उसके अंदर अनलिमिटेड ये लिया हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब है कि जो भी मेन्यू है, जैसे हमें 1 2 3, जैसे हमने होम लिया अबाउट अस लिया, तो उसका अनलिमिटेड ही हम रखते हैं, क्योंकि कितने भी हो सकते हैं। अगर आप इसकी लिमिट सेट कर देंगे तो वो उतनी ही लिमिट लेगा, उससे ज़्यादा उसमें मेन्यू में ऐड नहीं कर सकते, उसमें मैसेज शो कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। हमें ये बेसिक पेजेस पे दिखाना है, तो मैं बेसिक पेज पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम कोई कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करते हैं। रोल्स के लिए हम सेलेक्ट कर देते हैं NMES, ऑथेंटिकेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे, तो हमने हेडर लिया हुआ है, हम हेडर में नहीं चाहते, हम लेफ्ट लेफ्ट साइड बार में चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेव ब्लॉक किया, तो हमारा ये ब्लॉक सेव हो गया फ्रेंड्स। अब हम अपना नेक्स्ट टैब में होम पेज खोल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए होम पेज हमने खोल लिया है, तो इस पे अभी नहीं आया है। रीज़न इसका ये है कि हमने बेसिक पेज के लिए वो मेन्यू सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था। तो हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अबाउट अस के अंदर ये आ गया है, होम, अबाउट अस और सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सीख लिया है मेन्यू को कैसे ऐड करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे सेट करते हैं, उसके सब मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, और उस सब मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, और उस अब हम सीख लेते हैं इसमें फ्रेंड्स किसी भी मेन्यू के लिंक को एनेबल डिसेबल कैसे करते हैं। तो हम फ्रेंड्स इस पे क्लिक करेंगे, एडिट पे, एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपने लिंक बनाया है, जो भी पेज का आपने लिंक बनाया है, वो लिंक तो एज इट इज़ ही रहे पर वो शो ना हो आपके मेन्यू के अंदर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एनेबल का ये चेकबॉक्स है, इसको आप अनचेक कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, तो सर्विसेज वाला जो लिंक है वो आपको शो नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सर्विसेज वाला लिंक शो नहीं हुआ है, जबकि वो लिंक है, तो वो हमने डिसेबल कर दिया है कि हमें इस मेन्यू में अपना वो लिंक नहीं दिखाना है, तो हमने उसे अनचेक कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट होते हैं बेसिकली। तो शॉर्टकट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम कंटेंट में जाते हैं, ऐड कंटेंट में जाते हैं, आर्टिकल बेसिक पेज पे क्लिक करते हैं और बेसिक पेज ओपन हो जाता है, एक फॉर्म ओपन होता है, उससे हम बेसिक पेज क्रिएट करते हैं। तो ये इतना बड़ा एक हमें कह सकते हैं हम, पहले हमने यहाँ पे ओवर किया, फिर यहाँ पे ओवर करके यहाँ पे क्लिक किया, तो इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं हम, इसका एक कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हैं कि डायरेक्टली हम बेसिक पेज पे क्लिक करें और डायरेक्टली हमारा वो फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसका एक मेथड है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम बेसिक पेज पे यहीं से क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, बेसिक पेज पे क्लिक किया फ्रेंड्स, ये बेसिक पेज ओपन हुआ है फ्रेंड्स। बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, तो ये जो हमने थीम यूज़ की हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार बना हुआ नहीं आ रहा है,
जबकि कि वो स्टार बना हुआ आता है यहाँ पर, तो हम अपनी प्रीवियस थीम में जाके चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये यूआरएल है, इसका यूआरएल का आखिरी पोर्शन मतलब प्रोजेक्ट से आगे का जो भी हमारा पाथ है उसको हम कॉपी कर सकते हैं और उससे भी हम बना सकते हैं। तो इससे भी मैं बना के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार ला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, कि वो स्टार नहीं आ रहा है। तो हम अपनी प्रीवियस जो हमारी एडमिन की थीम है ड्रुपल की, डिफॉल्टेड होती है, उसको एनेबल करते हैं पहले। तो मैं अपीरियंस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और हम अपनी प्रीवियस, ये अपीरियंस पेज खुल गए फ्रेंड्स। हम अपनी प्रीवियस थीम को ही एनेबल करेंगे एडमिन की, जो कि 7 थी, और इसको मैं सेव कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका प्रोजेक्ट आप यूज़ करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप ड्रुपल की जो डिफॉल्टेड थीम है उसी को यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पे अपीरेंस में कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी स्टार बना हुआ नहीं आ रहा है, जो कि हम यहाँ से ही डायरेक्टली शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड, जो हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसमें हमें वो फीचर नहीं मिलती है। तो ड्रुपल की जो एडमिन की थीम है आप वही रखिए, थ्रू आउट द अपने जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं आप वही एडमिन की थीम रखिए जो डिफॉल्टेड होती है ड्रुपल की, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 7 है। देखिए यहाँ पे अपीयरेंस के आगे स्टार आ गया, जिसकी कि मैं बात कर रहा था। तो आप इस पर क्लिक करिए फ्रेंड्स, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा जो स्टार अभी ट्रांसपेरेंट आ रहा है ग्रे कलर का, ये येलो कलर का हो जाएगा जैसे ही हमारा शॉर्टकट क्रिएट होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट हमारा क्रिएट हो गया है। तो हमें देखना कैसे है कि हम शॉर्टकट को देख कैसे सकते हैं फ्रेंड्स, हमें देखने के लिए हम जाएंगे शॉर्टकट्स में, क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपीयरेंस डायरेक्टली आ गया है। तो ऐसे ही अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं फ्रेंड्स बेसिक पेज को, तो ऐड कंटेंट में जाइए और बेसिक पेज पे आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, स्टार पे क्लिक कीजिए, और इससे आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये भी क्रिएट हो गया है। अब मैं शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपीयरेंस आ गया और बेसिक पेज आ गया है। अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कोई और पेज का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ आर्टिकल का पेज क्रिएट शॉर्टकट लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके स्टार पे क्लिक करे बिना, हम इस पे क्लिक करे बिना इसका एक लिंक क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट लिंक क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स इसका ये पाथ लेना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स पे क्लिक करना है हमें, एडिट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये एक पेज ओपन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड शॉर्टकट पे हमें क्लिक करना है। ये एक पेज ओपन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नेम देना है, जैसे हम दे देते हैं आर्टिकल, और यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं स्लैश लगा के, और जो हमने पाथ कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ये शॉर्टकट भी क्रिएट हो गया आर्टिकल नाम से। तो अगर आप शॉर्टकट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो रिडायरेक्ट होगा आर्टिकल वाले पेज पे हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑलरेडी दिखा रहा है येलो, मींस कि ये हमारा ऑलरेडी शॉर्टकट बन चुका है। तो फ्रेंड्स अगर हमें डिलीट करना है किसी भी शॉर्टकट को, तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार के ऊपर और ये डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ आप शॉर्टकट में देख सकते हैं अभी आर्टिकल आ रहा है, रिफ्रेश जैसे ही होगा यहाँ से चला जाएगा, देखिए चला गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल का लिंक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने मेन्यू सीख लिया है, शॉर्टकट को डिलीट करना ऐड करना सीख लिया है, मेन्यू को कैसे ऐड करते हैं, मेन्यू के लिंक कैसे ऐड करते हैं फ्रेंड, मेन्यू की पोजिशन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखेंगे कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना, कॉन्टैक्ट का फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मेन्यू में कई सारे मॉड्यूल्स आते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको मेन्यू के लिए मॉड्यूल्स चाहिए तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, आप वो ट्राई कर सकते हैं अपने मेन्यू के लिए, सेम ही है थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं एक मॉड्यूल भी बताऊंगा आपको मेन्यू के लिए, बट नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स करेंगे अपना कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मेन्यू कर लिया है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल बता दूंगा, जो मॉड्यूल आपने इंस्टॉल करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि ये मॉड्यूल नहीं चल रहा है या इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको फ्रेंड्स
अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स? तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।